अभी मेरे स्कूल में हमने काम किया, बच्चे बड़े मुश्किल से आ रहे हैं, उनका बेस्ट इंटरेस्ट लिया, जैसे कोई जा रहा है प्रेरणा तालिका दे रहा है, ठीक है। आकलन आंतरिक होता है, एक टीचर की निगाह में बच्चों का आकलन सतत चलता रहता है, उसे हम कोई दिखा नहीं सकते, लेकिन हमसे दिखाया जा रहा है, बहुत पीड़ा है। अभी मैडम ने फिर कहा कि अब बदल गया है, फिर से एक पढ़ाना है, फिर हम बच्चों को एक से शुरू करें, एक से पांच तक, फिर कक्षा दो और तीन को एक दो तीन फिर कराएं, फिर पांच में हुई स्लाइड सरकेगी, कुछ और नहीं आ रहे, मतलब हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमारे पढ़ाई नहीं हो रही है, केवल पेपर काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मैं सीरियस साहब से अनुमति दिलाता हूं, हमें पढ़ाने दें। ड्यूटी करा देखिए, इन्होंने कहा कि हमें 15 महीने लग गए एक समृद्ध मॉड्यूल समझने में, हाँ 15 दिन लग गए, तो अगर 15 दिन आपको लग रहे हैं एक मॉड्यूल समझने के लिए, तो फिर आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई, बीएड की हुई, डाउटफुल स्थिति में। उसका कारण यह है कि देखिए, अगर कोई आप अपने प्रोफेशन में किसी चीज को ट्रेन करने में इतना टाइम ले रहे हैं तो प्रॉब्लम तो है। फिर दूसरा यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये दोबारा चेंज हो गया, ये स्ट्रेटजी क्यों चेंज की गई, यही तो इसका मकसद है, आप उसको समझी नहीं, कॉन्सेप्चुअली गलत कर रहे हो। बच्चे 1.5 साल से घर पे थे, उसमें एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आया है, स्ट्रेटजी को रीप्लान करना है। ये आपको गाइडलाइंस दी जा रही है, ओवरऑल फ्रेमवर्क दिया जा रहा है, और फ्रेमवर्क में आप इंडिपेंडेंट है, जो मर्जी करिए, जैसे मर्जी करिए। कौन आपको कह रहा है कि आप पूरे का पूरा 100% इसी के हिसाब से ही कर पाएंगे, जा कर पाएंगे, ये भी कोई फाइनल कोई चीज होती नहीं है। आपको तो एक पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया जाता है, हमें कोई जीओ आता है तो वो एक गाइडलाइन है, उसको इंटरप्रेट मुझे करना है, मुझे देखना है। अगर मैं उस नियम के हिसाब से चलूंगा तो कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करा ही नहीं पाऊंगा। हम इंटरप्रेट करते हैं, नोटिंग में एनालिसिस करते हैं, रीजनिंग देते हैं कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, उस नोटिंग को देख के फिर डिफेंड करते हैं कि इस जीओ में ये गाइडलाइन थी, इसका इंटरप्रिटेशन ये था, गोरखपुर की कंडीशंस ऐसी थी, इस कारण से मैंने ये डिसीजन लेके इस तरह से किया, ये गाइडलाइन फ्रेमवर्क ये है। दूसरा, अगर बच्चों को टेस्ट करने पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप कह रहे हो कि उसके आकलन करना गलत है, तो फिर आप पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन को चैलेंज कर रहे हो, जिन्होंने इसको करके अपने एजुकेशन लेवल को बहुत उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पैरामीटर्स होने चाहिए, लर्निंग आउटकम्स को कहीं ना कहीं मेजर करना चाहिए। पूरी दुनिया आउटपुट आउटकम्स पे ही बात कर रही है कि ठीक है भाई, आपने ये काम किया 1 साल, तो आउटपुट बताइए कहां है। आउटपुट को मेजर करने के लिए कोई तो स्टैंडर्डाइजेशन होगा। अगर ये बनाया गया है कि दूसरी का बच्चा 30 मिनट में इतने शब्द बोल रहे, तो इसमें क्या गलत है, इसको काउंटर करिए, आप कैसे कह दोगे गलत है। तो देखिए, अगर आपने नहीं करना है तो 100 बहाने हैं। अगर आपने ये अपनी जॉब लेके सिर्फ लीडरशिप करनी है और आपने यही करना है, तो फिर आपकी जॉब आप इस जॉब के लिए नहीं, आप किसी और जॉब के लिए, इसको आप पहले चलाना चाहते वो अलग है। तो काइंडली इसको आप जो चीजें हैं उसको फ्रेमवर्क की तरह दीजिए, उसको ये कोई नहीं कह रहा कि आपको जाके कल ये शुरू करना है। आप फ्रेमवर्क तो समझिए, समझने के लिए पहले एग्जिस्टेंस दे रहे हैं, तो इस तरह से जो है हमारा जो आज की वर्कशॉप है उसको उल्टा कर रहे हो, इसका पर्पस डिफीट कर रहे हो। आप पहले उसको समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर उसके आगे बढ़िए। आप आके खंडन करके यहां ताली बजा के एक को खड़ा करके, तो ये कोई आपका अनुशासन नहीं शो कर रहा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये उस फील्ड में जा रहे हो कि आप पढ़ाना ही नहीं चाहते हो, इससे ये इंडिकेट हो रहा, ठीक है। तो फिर आप जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि आज आपने ये बदल दिया, आज आपने ये बदल दिया, ये बदल दिया, ये बदल दिया, कागज ही भरवाए जा रहे हैं, तो कागज भरने हैं तो वो भी करना ही है, सरकारी नौकरी मिली है, शाम को बैठ के भरिए, पहले पढ़ाइए, आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, हम बैठते हैं 11-11 बजे तक। मैं नहीं कह सकता कि मुझसे इतनी स्ट्रेटेजी मांगा जा रहा है, मैं कहीं नहीं कहता पब्लिक फोरम पे, जबकि मुझे पता है कि कई चीजें जो डेटा में जाती है उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, पब्लिक फोरम में बोल रहा हूं।
लेकिन जब गवर्नमेंट में हम आते हैं तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है भाई, वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट। ये चीज आप भूल जाते हो आप लोग भी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। मैं वहां जाके अपना ये नहीं कर सकता कि मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, पब्लिक सर्वेंट हूं, पब्लिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आई हैव टू ओबे द ऑर्डर बट जो दिए जा रहे हैं हाँ उसको मैं एडजस्ट करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी क्रिएटिविटी मार रहा हूं, वो जो मुझे करना करिए। आप बहुत अच्छे टीचर हैं तभी आपने सवाल पूछा खड़े होकर, आप में हिम्मत है, लेकिन उसको आप उसके कारण एक बहाना नहीं दे सकते कि पेपर वर्क में टाइम जा रहा मैं नहीं करूंगा। तो 2 बजे के बाद पेपर वर्क करिए, 2 घंटा एक्स्ट्रा करिए, पहले आप पढ़ाइए कोर टाइम में, किसने मना किया, दोनों करने पड़ेंगे आप। ये क्लियर है मैसेज? हमारे साथ भी यही होता है, जबरदस्ती। मेरे पास सीडी ऑफिस में इतनी स्कीम्स हैं, मैं कह सकता हूं कि इतनी स्कीम में मुझे फोकस नहीं हो पाया, इतने विभाग है, 40 से ऊपर विभाग है, लेकिन मुझे सबको जस्टिफाई करना है। कैसे करते हम लोग? रोज मेरा 10 बजे 11 बजे रूटीन खत्म होता है, फिर मेरी कोर फाइलें शुरू होती है जो मुझे पढ़नी होती है। दिस मच एफर्ट जाता है इन सब चीजों को रन करने में, शो रन करने में, एफर्ट तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। जेन्युइन प्रॉब्लम नोट भी की जाएगी, आपकी दी भी जाएगी, लेकिन अगर आप इस एंगल से डिस्टर्ब करोगे कि यार ये सब चीजें झूठ है, बेकार है, ये सब चीजें मुझे ही पता है सबसे ज्यादा, देन नो यूज। ठीक है, अभी करी।